अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, आज एक न्यू व्लॉग के साथ। लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मेरी सुबह हुई है सुबह के 8:30 बजे, नहीं सॉरी 9:30 बजे, तो अभी लाइट है नहीं। और इतने दिनों से जो है ना व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे वो भी मैं आगे चल के आप लोगों को बता देती हूँ। लेकिन सबसे पहले अपने किचन को समेट लेती हूँ मैं, और इसके बाद जो है ना आज मैं आप लोगों से दोबारा शेयर करने वाली हूँ पिंक फ्लूड, जो कि डर्मा क्लीन का है। और मैं व्लॉग बनाऊँ और ये इस तरह की आवाज़ें ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखें सुने। तो मैं ये कह रही थी कि इस प्रोडक्ट का जो रिव्यू है, मैंने इतनी मरतबा आप लोगों के साथ जो है ना शेयर की है, मैं बता नहीं सकती। आप लोग मेरे वीडियो में जाके देखें, मेरे चैनल के वीडियोस में जाके देखें, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा। आप लोग काउंट कर सकते हैं कितनी मरतबा जो है ना मैंने इस जो है ना फ्लूट को, इस लोशन को कितनी मरतबा जो है ना आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। लेकिन इसके बावजूद जो है ना मुझे इतने सारे कमेंट आते हैं। सिर्फ एक अलग, मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, पर्सनली भी यूज़ करती हूँ, सेल आउट भी करती हूँ मैं, तो सवाल मुझे सिर्फ इसका जो है ना पूछते हैं कि ये क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके प्राइस क्या हैं और इसके बेनिफिट वगैरह जो भी हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये डर्मा क्लीन का पिंक फ्लूड लोशन है। इसके ऊपर सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, ये वाइटनिंग लोशन है और पिंक फ्लूड के नाम से है। रिमूव, यहाँ पे देखें सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, रिमूव एक्ने, रिंकल्स, पिंपल, डार्क सर्कल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं और फेयर एंड वाइटनर स्किन इन जस्ट 7 डेज। अगर आप कंटिन्यू इसे यूज़ करेंगे, ये बॉटल देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितना पुराना बॉटल है और ये इतना ही चलता है, क्योंकि इसके जस्ट 3 से 4 ड्रॉप्स लेने होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेना पड़ता। लेकिन माशाल्लाह ये कमाल का प्रोडक्ट है और इसमें आपको मिलेगा SPF, आपको सन ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग लगाते हैं सन ब्लॉक तो सन ब्लॉक के बाद भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगा, साथ साथ नरिश भी करेगा और वाइटनिंग जो आपको चाहिए, आपके स्किन का जो टोन है उसको सही टोन में लाके ये छोड़ देगा, ठीक है। नो मेकअप लुक के लिए बेस्ट है। तो सुबह सुबह जो है ना मैं आप लोगों के साथ इस प्रोडक्ट को शेयर कर रही हूँ। तो खैर आप लोग मुझे देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं इतना करूँ आप लोगों के लिए। तो अच्छा, प्राइस की मैं बात करूँ, सब इसकी प्राइस जो है ना पहले 650, 750, 800 इस तरह इसके यानी थे, लेकिन आजकल आप लोगों को पता है डॉलर कितना महंगा हो चुका है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। आलू प्याज की कीमत से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो यानी रेट हैं कहाँ तक हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं। तो भाई ये प्रोडक्ट है, ये ओरिजिनल है, कोई लोकल लोशन है नहीं कि इसका जो है ना आपको 100, 150, 200, 250 में मिलेगा, नहीं। ओरिजिनल चीज़ें और कंपनी की जो चीज़ें होती हैं वो तो लाजमी बात है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ये खैर इतना एक्सपेंसिव है नहीं, ये अफोर्डेबल है। तो इसके न्यू प्राइस जो है ना मेरे पास 1200 के हैं, DC कराची के 300 हैं, कराची से बाहर के 350 हैं। जो लोग कराची से बाहर हैं वो मुझे एडवांस पेमेंट कर सकते हैं, और जो लोग कराची में हैं तो वो मुझे COD अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। आप लोग रेट देखते हैं दराज में और पता नहीं कौन कौन से साइट से आप लोग रेट देखते हैं, पुराने पुराने जो रेट होते हैं आप लोग वो जो है ना स्क्रीन शूट करके मुझे भेजते हैं कि देखें भाई ये 600 का है, 500 का है, इतने का है। तो भाई मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, 600 500 का हमें खुद ये नहीं पड़ता, इसके होलसेल प्राइस 600 500 नहीं है। तो ये हो गया क्लियर। अगर आप लोग मेरी रिकमेंडेशन पे इसे यूज़ करना चाहते हैं तो एक मरतबा करें, तो नेक्स्ट टाइम जो है ना आप किसी और को रिकमेंड करेंगे, ठीक है। तो ये इतना कमाल का प्रोडक्ट है और सर्दी में यानी सर्दियों में भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, इवन के गर्मियों में भी, ठीक है। तो गर्मियों में वैसे कोई प्रोडक्ट टिकता तो नहीं है फेस पे, लेकिन ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे हर तरह के मौसम में यूज़ कर सकते हैं। किचन की ऑलमोस्ट मैंने सफाई कर ली है और ये गैस चेक कर सकते हैं कि
कितना छोटा सा ये आ रहा है फ्लेम। तो अब इस पे पता नहीं पानी उबलेगा कि नहीं, क्योंकि मैं सोच रही थी कल रात से मैं इतना वो स्ट्रेस में थी, बहुत ज़्यादा मैं थकी हुई हूँ, पता नहीं क्यों मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती रात को। तो काफ़ी दिनों से मैंने ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी है शायद इस वजह से। तो सोच रही थी आज मैं उठी हूँ सुबह सुबह तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लूँ, लेकिन इतना भी गैस नहीं है कि पानी जो है ना थोड़ा सा ही गर्म हो जाए। तो बस बाकी किचन की ऑलमोस्ट सफाई मैंने कर ली है, बच्चे उठ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह घर की भी सफाई करूँगी, खाना जो बनाऊँगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में आज जो है ना मैं क्या कहते हैं छोटा सा व्लॉग बनाऊँगी, ताकि जो मेरा मैसेज है डर्मा क्लीन प्रोडक्ट के बारे में वो आप लोगों तक जो है ना क्लियर पहुँच सके। तो सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ कॉफ़ी, बच्चे मेरे सो रहे हैं, हस्बैंड मेरे जॉब पर हैं। तो ये देखिए कॉफ़ी, ये है मेरी कॉफ़ी की कलेक्शन। ये क्लारा ना देखें, काफ़ी दिन से जो है ना मैंने दराज ठीक नहीं किए तो इस वजह से इतना तो होता है ना। तो ये है मेरी कॉफ़ी की कलेक्शन, ठीक है। मैं कॉफ़ी बहुत ज़्यादा शौक से पीती हूँ, और क्या कहते हैं ये स्टीविया है, जो लोग लो शुगर क्या कहते हैं वो ज़्यादा वो चीनी वगैरह नहीं पीते हैं तो उनके लिए बेस्ट है स्टीविया। तो मैं स्टीविया भी लेती हूँ, लेकिन ब्लैक कॉफ़ी में मैं कुछ भी, हाँ अगर मैं मिल्क वाली कॉफ़ी बनाऊँ तो उसके अंदर मैं ये ऐड कर देती हूँ, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं। और ये कुछ दूसरे टाइप के स्टीविया हैं, और ये भी नहीं, सॉरी ये सॉल्ट है। बाकी ये मेरी कॉफ़ी की कलेक्शन है जो कि मैं खुद जो है ना लेके आती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी लेके आते हैं, लेकिन आजकल जो है ना मैं इस कॉफ़ी को पसंद कर रही हूँ, मिल्क में भी और क्या कहते हैं ब्लैक कॉफ़ी में भी, ठीक है। तो आज इसको मैं ट्राई करूँगी सुबह सुबह। और बाकी काफ़ी सारे हैं मेरे पास, अलग अलग तरह के हैं, ये देखें। अगर आप लोग भी चीनी नहीं ज़्यादा वो इस्तेमाल करते तो इस तरह के जो ज़ीरो कैलोरीज वाले आते हैं ना तो ये बेस्ट हैं, ठीक है। और वैसे भी चीनी बहुत ज़्यादा लेनी नहीं चाहिए, तो आजकल बीमारियां जो है ना बहुत ज़्यादा आम हैं। मैं वैसे भी चीनी और मीठा बहुत कम, हाँ मीठे में अगर कोई स्पेशल मीठा हो तो वो तो मैं खाती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन चाय में और इस तरह से बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं, और मैं खुद भी अवॉइड करती हूँ। तो जब मैं मिल्क के साथ बनाऊँगी तो मैं इसे यूज़ करूँगी या फिर इसे यूज़ करूँगी, लेकिन अभी विदाउट मिल्क तो मैं ये पी रही हूँ। गैस तो है नहीं, लेकिन ये कि पानी थोड़ा बहुत मेरा गरम हो चुका है। अच्छा, जिनको स्टमक का प्रॉब्लम है वो मेरी वीडियो देख के कॉफ़ी ना पिए, ठीक है। तो बाद में कमेंट आएंगे कि मैं हमारे मैदे में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो भाई जिनको जो मसले हैं ना वो उसी हिसाब से चलें। मैंने नाश्ता भी नहीं किया तो आधा पैकेट काफ़ी है, वैसे पूरा एक पैकेट मैं सुबह लेती हूँ। कलर चेक करें इसका, अब आप बोलेंगे कॉफ़ी का भी कलर, तो भाई जो लोग पीते हैं उनको ही पता होगा इसके टेस्ट का। तो आधा जो है ना मैं बाद में पीऊँगी, लेकिन अभी नाश्ता नहीं किया तो इतना काफ़ी है। मुझे इसके लिए एक मशीन भी लेनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है भाई, एस्प्रेसो मशीन लेनी है, उसमें इतने ज़बरदस्त जाग बनते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो ये है आज का मेरा छोटा सा व्लॉग जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और डर्मा क्लीन के प्रोडक्ट के बारे में भी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते इस वजह से मेरे वीडियो नहीं आ रहे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।